jungle. आदर्श गांव चकडीहा में माननीय ग्राम प्रधान और विधायक महोदय का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रयागराज जिले में मांडा ब्लॉक के चकडीहा ग्राम सभा में एक घर ऐसा भी है जो कि जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। इस घर के मुखिया जय शंकर विश्वकर्मा पुत्र जोखू राम विश्वकर्मा हैं। इनके घर में कुल 4 सदस्य रहते हैं। यह बेचारे इतने गरीब हैं कि किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने में करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। इसकी सूचना एसडीएम महोदय माननीय विधायक श्रीमती नीलम करवारिया जी एवं गांव के ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह को भी दी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 3 महीने पहले इस घर में दुर्घटना भी हो चुकी है जिसमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस गांव के मुखिया जिनके पास पहले से पक्के मकान बने हुए हैं उनको आवास उपलब्ध कराया गया है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से माननीय प्रधान जी इस घर की जांच कराकर के इस गरीब आदमी को आवास उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जिनके पास पक्के मकान बने हुए हैं उनको आवास उपलब्ध कराया गया, इस गरीब आदमी को आवास उपलब्ध कराएं माननीय प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सपनों को इस तरह से न डुबोया जाए कि इनके सपने अधूरे रह जाएं। शासन के समस्त अधिकारी पता नहीं क्यों गूंगे बहरे और अंधे हो चुके हैं कि जनता से जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़कर चले आते हैं, और जब जनता परेशान होती है तो उनका ध्यान नहीं देने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता है। इसलिए शासन से निवेदन है कि ऐसे गरीब व्यक्तियों को आवास मिलना चाहिए। स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ रिपोर्टर राम सागर की रिपोर्ट। चालू है। मैं रिपोर्टर स्टार 7 टीवी न्यूज से राम सागर, मैं इस समय प्रयागराज जिले में मांडा ब्लॉक के आदर्श गांव चकडीहा में उपस्थित हूं। यहां पर एक घर ऐसा भी है जहां पर कि आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये गरीब बेचारे जो है कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस पर जो है शासन का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसके पहले अभी 1 महीने पहले हम ये रिपोर्ट जो है अधिकारियों तक पहुंचाए। माननीय एसडीएम महोदय, माननीय हमारे यहाँ की विधायिका श्रीमती नीलम करवरिया जी और नव निर्वाचित सांसद बहुगुणा जोशी जी, सबको इस बात से अवगत कराया गया और इस